हरदा जिले के पानतलाई ग्राम में नई दिशा स्वयंसेवी संस्था द्वारा जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं एवं पुरुषों को वैज्ञानिक उन्नत खेती पशुपालन सिलाई मशीन चलाना और कई जनता जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं। नई दिशा स्वयंसेवी संस्था में मैं सदस्य हूँ। संस्था विगत 2-3 वर्षों से कार्य कर रही है जी। और संस्था ने गाँव में बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए, जैसे नरवाई खेतों में जो नुकसान करती है उसको नरवाई नहीं जलाने के लिए प्रशिक्षण दिया, लोगों को जागरूकता का अभियान चलाया। हमने योग शिविर लगवाया गांव में, सभी लोग का लगभग 70-80 लोग, बच्चे बूढ़े सभी योग शिविर में आते थे। और कृषि जैविक कृषि के को बढ़ावा देने के लिए अभी संस्था की ओर से समिति के कार्यकाल से मिला के सहयोग लिया और प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 50 से 55 लोग डेली आ रहे हैं 10 दिवसीय प्रशिक्षण में, जिसमें पानतलाई ग्राम और आसपास के क्षेत्रों से भी लोग नई दिशा स्वयं से भी संस्थान से जुड़ रहे हैं और कई लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है और महिलाओं को घर पर भी सिलाई का रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। इस समय ग्राम के लोगों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग जैविक खेती के ऊपर प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हमारी द्वारा हमने निवेदन किया गया RCT भवन से, उनके द्वारा प्रशिक्षक और ट्रेनर और वैज्ञानिक लोग उपलब्ध कराए गए और हम लोग अब जैविक खेती के ऊपर महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैविक खेती की ओर लोगों का रुझान बढ़े और हमारी बढ़ती हुई जो लागत है उस लागत को कम हो और लोगों की आवक में बढ़ोतरी हो और लोगों की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और ये जो महंगी बीज बिजाई जो खरीद रहे हैं किसान, जो महंगी खाद दवाई खरीदते हैं, इससे निजात मिल सके, इस उद्देश्य से हम लोग ये चाह रहे हैं कि महिला पुरुषों को प्रशिक्षण दे के कि सब अपने घर में ही गोबर का खाद बनाएं, अपने घर में ही बीज उत्पन्न करें, अपने घर में ही पशुओं को पालें, तो इस तरीके से हम लोग इनको जैविक खेती के ऊपर प्रशिक्षण दे रहे हैं जी। इसमें ये RCT के माध्यम से प्रशिक्षण जैविक खेती का शिविर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या फ़ायदा हुआ इसमें आपको? अभी इसमें पशुपालन पे बता रहे हैं किस प्रकार से पशुओं का रखरखाव करना, कैसे खरीदना है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए जी, ये कुछ चीज़ें अभी इन्होंने बताई है। उससे काफ़ी लाभ मिल रहा है हमारे को और ग्राम को भी। अच्छा, बहुत अच्छी ये योजना और जो ये शिविर लगा है जी, इससे काफ़ी जागरूकता है और उत्सुकता भी है जानने की। आप बहुत सी चीज़ें हमारे काम के इन लोगों ने बताई हैं, बता रहे हैं। 10 दिवस ये शिविर है, अभी दूसरा दिन तीसरा है आज इसका। आपके साथ ग्राम के और भी लोग आ रहे होंगे, कितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? लगभग इसमें 50-55 लोग, महिलाएं और पुरुष सब मिलके, और चल रहा है इनका काम।